ये क्या जरूरत है वक्त नहीं है जनाब रजा मोहम्मद खान साहब के, इसके ऊपर भी हम लोग एक कंसेंसस क्रिएट करें? और आप क्या समझते हैं कि अब तालिबान गवर्नमेंट वहां इन प्लेस है तो फिर क्या मिसिंग लिंक रह गया है? ये चीजें इतनी रेपिटेटिव क्यों हमें नजर आ रही हैं? देखिए, अफगानिस्तान में सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये बात समझने की जरूरत है कि वहां पे हमारे अमेरिका और पूरे खत्ते के मुश्तरका मफादात क्या है। मैं उसमें से एक खुल के बताता हूँ, और वो ये है कि वहाँ पे दाइश का खात्मा, खुसूसन दाइश खुरासान का खात्मा, अलकायदा का खात्मा और TPP का और जितने भी वहाँ पे दहशत गर्द हैं उनका खात्मा करना, उनका तदारक करना, ये एक मुश्तरका हमारा फ़ायदा है। और उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों को तो मिलकर इसका मदावा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो हमारी जो बॉर्डर फेंसिंग है उस पे मेरे ख्याल में जो तालिबान की हुकूमत है हमारे साथ मिलकर काम करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। और वहाँ पे जितने भी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, कुछ तो फॉर्मल क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, मतलब चमन हो गया और दूसरे जहाँ पे नॉर्मली लोग आते जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो कि इनफॉर्मल है, उनके ऊपर मेरे ख्याल में विजिलेंस को ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रेशर तालिबान की तरफ से मेरे ख्याल में इन तमाम दहशत गर्दों के ऊपर पड़ रहा है, और यही वजह है कि वो फेंस को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अफवाज जो है वो उनको रोक रही हैं।